बेटे वी वर डूइंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया था। आफ्टर डूइंग सम स्टडी, एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी, उसने देखा था कि फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एटॉमिक मास। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आ गया मॉडर्न। क्या कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मास? सी, अब मैं दिस हाइड्रोजन को तो पोजीशन नहीं मिली, ये देखो ये मैंने फर्स्ट ग्रुप बनाया है, तो यहां से पीयर्स स्टार्ट होते हैं बेटे, ठीक है, जो ऐसे जाएंगे ये, ठीक है, ये पीयर्स होते हैं, और ये जो ग्रुप बने होते हैं ये भी रोज, ठीक है, जो रोज होती हैं वो पीयर होते हैं, सेवन ऐसे जाते हैं। देखो ध्यान से पूरे टेबल में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप होते हैं बेटे 18। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे एक थर्ड ग्रुप आता है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है। नहीं आपको नहीं करना पड़ेगा, आप जब मेडिकल नॉन मेडिकल रखोगे ना तब हम आपको करवा देंगे। नहीं अभी नहीं करना आपने, ठीक है, अभी 20 एलिमेंट्स करने हैं बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थर्ड ग्रुप लिखा होगा, लिखे ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, लिखा हुआ है 20 के बाद। देखो कैल्शियम के बाद बेटे सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यहाँ से थर्ड ग्रुप शुरू हो रहा है, हो रहा है। फिर यहाँ पे इसके बिल्कुल यहाँ पे इधर एज पे हीलियम होगा, ये ग्रुप 18 है। यहाँ पे ग्रुप 13 स्टार्ट हो रहा होगा, इसकी इसी इसी रो में ग्रुप 13 शुरू हो रहा होगा, इसी रो में ग्रुप, ठीक है। यहाँ क्या है, बेरिलियम के बाद क्या आता है, बोरोन आता है, आता है, हाँ। तो यहाँ देखो ये 13 ग्रुप है बोरोन फैमिली, है ना। फिर यहाँ पे एल्युमिनियम आता है, आ रहा है। फिर इधर आ जाएगा जिंक के बाद, यहाँ पे गैलियम आएगा, आ रहा है। फिर इंडियम, फिर थैलियम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आती है बेटे 14th ग्रुप, ठीक है, कार्बन फैमिली। देखो कार्बन लिखा हुआ, कार्बन, ठीक है। के बाद यहाँ पे आता होगा 15, देन 16, देन 17, ठीक है, एंटीमनी, फिर बिस्मथ। ये नाइट्रोजन फैमिली है, देयर इज ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है बेटे, देन देयर विल बी हैलोजन फैमिली, एंड देन देयर विल बी नोबल गैसेस।
ठीक है बेटे, ओके। अब ये सिक्स ग्रुप में इधर आ जाओ, सिक्स पीरियड में यहाँ पे एक लेंथ है ना लिखा होगा और यहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे, दिख रहा है? इसके बाद बेटे एक लेंथेनम लिखा होगा, देखो दिख रहा है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर देखो कितना है, 57 है। 57 के बाद ऐसे नीचे एक एफ ब्लॉक है जो सीरियम से स्टार्ट हो रहा है, हो रहा है 58 है, दिख रहे हैं दो पीयर्स पड़े हुए, ठीक है। ऐसे इससे एक और पीरियड स्टार्ट हो रहा, ऐसे हो रहा है। अब बेटे सेवन पीरियड है, ये जो दो पीरियड नीचे पड़े होते हैं ये इनके इनसे ही स्टार्ट होते हैं, 57 के बाद 58, 71 के बाद 72, इससे ही स्टार्ट हो रहे हैं, समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये इनसे ही आए हैं, तो ये चाहे अलग पड़े हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल क्या होता है, क्यों होता है, क्वांटम क्या होती है, यू विल अंडरस्टैंड इन क्लास प्लस वन, ठीक है। तो अभी ये समझो कि लेंथेनम इन्हीं से ही आए हैं, इन्हीं पीरियड का हिस्सा है, अलग क्यों प्लेस करें हैं ये हम हायर स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है, समझ आ रही है? तो इसका मतलब इट इज सेवन पीयर्स है, 18 ग्रुप है, देखो 18 ग्रुप है, समझ आ गई। अब ये जो फर्स्ट टू ग्रुप है और ये 13 से 18 ग्रुप है, इन्हें कहा जाता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। ये टू ग्रुप और 13 से लेके 18 तक, इन्हें नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। देन कम टू 3 to 12 ग्रुप, ये वाला, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लाई करते हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोला जाता है? क्योंकि इनसे प्रॉपर्टी ट्रांजिस्ट होती है, मतलब अगर देखो ये देखो यहाँ पे सारे मेटल्स आते हैं, ये टिपिकली मेटल है, हैवी मेटल है, आयरन कितना हैवी मेटल है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे हैवी मेटल्स है। फिर मेटल से होते होते इस तरफ हमें नॉन मेटल्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन है, मेटल से किस तरफ गए, नॉन मेटल की तरफ, समझ आई? ये जो नीचे दो पीयर्स पड़े हैं जो अलग नहीं है, इनका हिस्सा ही है, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ट्रांजिशन से होके आए हैं, समझ आ रही है? ये जो नीचे टू पड़े हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। खुशी आप यहाँ के बैठ जाओ, ओके, समझ आ रही है? अब बेटे एक्चुअली हर पीरियड, हर ग्रुप का कुछ ना कुछ सम और अदर नेम होता है कई ग्रुप्स का, जैसे कि इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स, आपको इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, अल्कली मेटल्स, ठीक है, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोक्साइड हैं वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये अल्कलीज बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाते हैं, अल्कली के होते हैं जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है। ये होती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि जो इनकी ऑक्साइड्स हैं अर्थ में प्रेजेंट है उनकी जो नेचर है वो अल्कलाइन है, कैल्शियम ऑक्साइड अल्कलाइन है, बेसिक नेचर है, बेस की तरह एक्ट करती कि नहीं करती, बेस होने है ना। मेटल्स जो भी होते हैं बेटे वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड बनाते हैं, कभी क्लोरीन का आपने बेस सुना, HCl सुना, सल्फर का बेस सुना, कभी सल्फ्यूरिक एसिड सुना। नॉन मेटल्स ने क्या बनानी है? बेस। मेटल्स ने, सॉरी हाँ, मेटल्स ने क्या बनानी है? बेस। नॉन मेटल्स ने क्या बनाने है? एसिड। बीच में जो कोई आए जैसे एल्युमिनियम आ गया, उसे कहते हैं एम्फोटेरिक, वो कभी एसिड की तरह भी उसकी ऑक्साइड बिहेव करती है, कभी बेस की तरह बिहेव करती है, समझ आ रही है? तो प्रॉपर्टी कैसे हो रही है, देखो बेस से इनकी जो ऑक्साइड्स हैं वो किस तरफ जा रही है? एसिडिक नेचर की तरफ,
नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होती हैं वो क्या नेचर होती है, एसिडिक। जैसे अगर मैं HOCl बना दूं, होता है एक एसिड होता है बेटे हाइपोक्लोरस एसिड, अगर यही HONa के साथ लगा तो ये बेस कितना बिहेव कर रहा था, इसने OH देना था ना, NaOH में OH देता है, मगर HOCl में ये H देता है, H पॉजिटिव। समझ आ रही? HCl तो आपको अभी क्लास 10th तक हम HCl एग्जाम को एसिड होता है, जो 11th में हो जाए HOCl, आप HOCl2 कुछ बहुत कुछ सुनोगे, हम आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, एक ही एसिड सुनते हो, सल्फरस भी सुनोगे, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी सुनोगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी सुनोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट एसिड हम आपको बताएंगे, समझ आ गई? तो ऐसे बेटे इधर क्या आ जाती है, एसिडिक नेचर। तो जैसे ये है, ये ग्रुप को कहते हैं नोबल गैस एसिड, क्योंकि इसको किसी से लेना देना नहीं, रॉयल है बंदे, अपने में जितने शेर होते हैं ना, अपने में जितने गिद्दड़ होते हैं ना, वो झुंड लेके घूमते रहते हैं, मैनू आ चाहिए, मैनू आ चाहिए, जो शेर होते हैं अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, ये नोबल है, ये अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। फिर ये हेलोजन है, हेलोजन का मतलब होता है, ठीक है, हेलोजन्स का मतलब होता है बेटे सॉल्ट फॉर्मिंग, जो सॉल्ट बनाते हैं, जैसे NaCl, KCl, है ना, वैसे ये है चालकोजोन्स, ये नाइकोजोन्स हैं, सफोकेटिंग, तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स के नेम्स होते हैं, ठीक है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या ट्रेंड्स हैं, अलोंग द पेयर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, या किसी भी एलिमेंट का कौन से पेयर को बिलोंग करता है, या कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, या कैसी ऑक्साइड बनाएगा, या कैसी हाइड्रोक्साइड बनाएगा, या कैसी हैलाइड बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट जैसे आप याद करते हो ऐसे करने हैं, सीधा सीधा नहीं अब करने, तो आपने ऐसे पीयर्स में देख लेने फर्स्ट 20, मगर ऐसे भी याद करना सीखो ग्रुप वाइज। इसके निमोनिक्स होते हैं, इवन इसके भी निमोनिक्स होते हैं, इसके लग के भी निमोनिक होते हैं, यहाँ पे देखो वाई लिखा होगा, यहाँ पे जेड आर लिखा होगा, है ना, यहाँ पे एन बी लिखा होगा, तो आई नॉट राइट होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर यू, यहाँ पे भी सीई है, यहाँ पे पी आर होगा, फिर एन डी होगा, है हाँ, ठीक है, ये प्रसोमियम है, ये न्यूडोनियम है, तो आप ऐसे करोगे, आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड में करवाएंगे, अभी आप इतना ही समझ, ठीक है। 30 तक याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स प्लस वन में भी फर्स्ट 30 तक ही करवाए जाते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। तो 30 तक करने की कोशिश करो, धीरे फिर बाकी जैसे जैसे पीरियड्स आते जाएंगे स्टडी होती जाएगी, क्योंकि डी ब्लॉक शुरू ही प्लस टू में होता है, ठीक है। प्लस वन में आप ये वाला, इसे कहते हैं बेटे एस ब्लॉक, इसे क्या कहते हैं एस ब्लॉक, इसे कहते हैं पी ब्लॉक, इसे कहते हैं डी ब्लॉक, और जो नीचे दो पड़े हैं उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये नेम कैसे हैं, ये भी क्वांटम बताती है, जब आप 11th में क्वांटम में फिलिंग सीखते हो तब आपको समझ आती है ये एस ब्लॉक क्यों है, और एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप क्यों प्रेजेंट हैं, पी ब्लॉक में सिक्स ग्रुप होते हैं, देखो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होंगे, एफ ब्लॉक में ये जो दो सीरीज आ रही हैं ये 14 का ग्रुप बनाएंगे, मगर ये इनर ट्रांजिशन होती है इसलिए इनको अलग नहीं प्लेस किया जाता कि इनके अलग कोई ग्रुप है, अदरवाइज ये 2 ग्रुप है, ये फिर 6 ग्रुप हो जाते हैं और ये 10 ग्रुप होते हैं बीच में, समझ आई इतनी। अब आपको क्वेश्चन आता है बेटे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन होगा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगी, तो आपने उसकी नंबर ऑफ शेल्स बतानी है, उसका पीयर नंबर बताना है, उसका ग्रुप नंबर बताना है, ये चीजें आपने बतानी होती है, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम बाद में देखते हैं, देखो ध्यान से, अब जो ये पीयर है, पीयर और एक होते हैं ग्रुप, इन दोनों में फर्क क्या, पहले ये समझो, ग्रुप में जो सेम जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती हैं। अब जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, सारे के सारे मेटल्स हैं, सभी मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन देना,
तो सबकी वैलेंसी पॉजिटिव 1 है, समझ आ रही है। सेकंड ग्रुप की सबने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने, सबकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 है, Be2 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, Strontium 2 पॉजिटिव है, Barium 2 पॉजिटिव है, तो ये तो लो रेडियो एक्टिव है तो ग्रुप दे देगा, समझ आ रही है। अब ये वाले सारे पॉजिटिव 3 बनाएंगे, अब हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे ये पॉजिटिव 1 भी बनाएंगे, ठीक है, ये चलो पॉजिटिव 4, ये पॉजिटिव 2 भी बनाएंगे, ये नाइट्रोजन है -3 +3 +5 भी सीखोगे, ठीक है। ऑक्सीजन -2 लिखते हो ना, हायर स्टैंडर्ड में सल्फर +2 भी बोलोगे, +4 भी बोलोगे, +6 भी बोलोगे, उसे वैलेंसी नहीं कहा जाता, उसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता, ठीक है। फ्लोरीन जैसे -1 बोलते हो, इन सब ने 1 इलेक्ट्रॉन देना है, लेना है ना, लेना है। अब देखोगे आप +3 भी बनाएंगे, +5 भी बनाएंगे, +7 भी बनाएंगे, कैसे बनाते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब ये -1 में समझो आप, ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये 4 है, ये +3 है, वो +2 है, वो +1 है, समझ आ गई, ठीक है जी। ये याद रखना आपने, ये +2 है और ये +1 है, इसको भूलना नहीं है, इन सब ने +1 है, ये सब +2 है, ये सब +3 है, 4 है, -3 -2 -1। अब ये कैसे याद रखोगे, ये ग्रुप नंबर 1 2 और ग्रुप नंबर 13 14, बेटे +1 का मतलब है इसकी वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस क्या होती है, लास्ट, जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, तो क्या कॉन्फिगरेशन होती है लिथियम की, 2 1 2 8 1, इन सब की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 19, तो ये 2 8 8 1, तो ये सब 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, सारे के सारे 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, सबकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, समझ आ रही है। जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, समझ आ रही है। अब इसमें सबकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 है, ये 2 2 है, ये 2 8 2 है, ये 2 8 8 2 है, तो ये सब ने क्या देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। बोरोन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 5 2 3, एल्युमिनियम 2 8 3, देन ये तो छोड़ दो, आगे जिंक आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद कार्बन, इसकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4, अब तो कार्बन कंपाउंड कर लिए आपने, 2 4, ठीक है। अब नेक्स्ट नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में क्या है, 5, तो 4 तक तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, ठीक है। आफ्टर 4 जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 5 है ना, तो 8 -5 = -3 लिखना आपने, प्लस में नहीं लेना, बस 3 याद रखो। ये देखो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 8 -6 = 2, इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो 8 -7 = 1, तो ये -1 है, नॉन मेटल्स माइनस में इलेक्ट्रॉन लेंगे, मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन लेना। अब इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिवली, है ना, जब किसी बंदे में नेगेटिविटी जाती है उसका करेक्टर लूज होता है, ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आता जा रहा है, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर क्या चार्ज आता जा रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बाहर आ रही है, जिसके अंदर नेगेटिविटी अंदर जा रही है उसके ऊपर उतना चार्ज पड़ता जाएगा। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो -3 चार्ज आएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 माइनस चार्ज आ जाएगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी।
अब हमें बेटे ग्रुप क्या सिग्निफाइज करते हैं, पीरियड क्या सिग्निफाइज करते हैं। लास्ट वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से हम ग्रुप पता करवा सकते हैं। वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको क्या बताता है, ग्रुप। मान लो आपको कोई एलिमेंट आ जाए जिसकी जिसको बोला जाए जिसकी कंफिगरेशन है 2881, आपको भी नहीं पता, आप बोर्ड की तरह मत देखो। वन का मतलब है ये ग्रुप वन को बिलोंग कर रहे, ठीक है। ग्रुप किस आधार पे बने, ग्रुप वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की इक्वल है। तो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको ग्रुप नंबर बताता है, समझ आ रही है। अगर मैं बोलूं कि कोई एलिमेंट है जिसका 2-5 है, या बोलूं 2-5 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, तो क्या ग्रुप नंबर होगा, तो 5-15 ग्रुप नंबर होगा, क्योंकि वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। फर्स्ट ग्रुप की वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। सेकेंड ग्रुप की वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। 13 ग्रुप, इसको छोड़ दो आपको ये आने नहीं है अभी, ठीक है। 13 ग्रुप की वेलेंस शेल में कितने होते हैं, 3। 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। अगर मैं बोलूं कोई एलिमेंट है जिसकी कॉन्फिगरेशन 2-8 है, इसका मतलब किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 18। आपने लास्ट शेल देखनी है, ऐसे भी बोल सकती हूँ। कोई एलिमेंट है जिसका नंबर एटॉमिक नंबर 10 है, तो आपको पता है फर्स्ट शेल में 2 आनी है, सेकंड में 8 आनी है, तो किस ग्रुप को बिलोंग करेगा, 18। तो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपको ग्रुप नंबर बताता है, समझ आ रही है। पहली बात समझ आई। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स आपको पीयर नंबर बताता है। नंबर ऑफ शेल क्या बताता है, पीयर नंबर। ये जो पीयर्स बने हुए हैं ना, ये वन फर्स्ट पीयर है, तो इसका मतलब इस पीयर में सिर्फ एक ही शेल ऑक्यूपाई है। अब देखो इस फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट नजर आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, बस। क्योंकि फर्स्ट शेल में दो ही दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस। पता है ना ये रूल, 2n² याद है कि भूल गए हो। n का मतलब है कोई भी इंटीजर वैल्यू, n की वैल्यू 1 फिल करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। अगर n की वैल्यू 2 फिल करोगे तो क्या आंसर आएगा, 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। समझ आ रही है। तो इसमें 8 ही एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जाना शुरू कर देते हैं, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाना शुरू हुए, थर्ड शेल में शुरू हुए, सोडियम में आए कि नहीं आए, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल को जाना शुरू कर देंगे, तो ये किसको बिलोंग करेगा, फोर्थ पीरियड को। जितनी आपकी शेल बनती जाएगी, ये वाली 1, 2, 3, 4, वही आपका पीरियड नंबर बनता जाएगा। अगर मैं बोलूं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन, 13 है, तो इसकी पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के रखोगे, वो ये आगी। अब ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप नंबर 13 को बिलोंग कर रहा है। ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा, 1, 2, 3, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करेगा। देखो थर्ड पीरियड 13th ग्रुप एल्युमिनियम, समझ आ रही है। नंबर ऑफ शेल्स आपके पीरियड बताते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको ग्रुप बताएगा, समझ आ गई, ठीक है। ये बेटे सीधा डायरेक्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इतना इजी होता है कि बच्चों से ये भी नहीं कवर हो रहा होता। करना क्या होता है, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बताना होता है, 2 मिनट में निकल जाता है।
इसमें पीएचडी की क्या जरूरत है? हाँ, इसमें तो काउंट ही करने हैं, एक दो तीन, यही नहीं करना होगा। ये तो नर्सरी को समझा दो, वही समझ लेंगे। 1 2 3 थर्ड पीरियड है, ऐसे ही है बेटे। चलो अब मैं आपको इसको बंद करूं। एटॉमिक नंबर 15, फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड नंबर। हरी अप, एटॉमिक नंबर 15। और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स भी लिख के रखो। हरी अप, लैंथेनम बेटे, लैंथेनम के बाद यह ब्लॉक स्टार्ट होता है। लैंथेनम आता नहीं है पर इसको कंसीडर, उसके बाद लैंथेनॉइड स्टार्ट होते हैं। चलो एटॉमिक नंबर 15 का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताओ और साथ में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखो। पता नहीं कैसे करवाते हैं। हेलो, बस चलो कर लो ऐसे, क्योंकि हम तो ग्रुप वाइज लर्न करवाते हैं बच्चों। ग्रुप में हो जाएगा बेटे, ग्रुप भी होता है। देखो ये देखो, हलीना की रूबिया से फ्रेंडशिप। चलो ग्रुप करने, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी, कन्या सुंदर बापरा जी, बाल गंगाधर इंतलाब, कैलाश गए शिव पार्वती, ठीक है ना, पापा सी सब बहादुर, उससे टेपो। ये तो हम वैसी आदत हैं, तो ये भी करवाते हैं बच्चों को, है ना। फिर कल बहार आएगी, है ना, ये भी करवाया जाएगा आपको। देखो साडा टीवी वीसीआर मेरे फादर को नहीं चुकया जाता। नेक्स्ट नेक्स्ट की होती है, यारी जरा निभाना मोड़, तक रोते रोते पड़ेगा आग में तू, देना। एफ ब्लॉक का भी करवाते हैं, सर पर नदी पैरों में समुंदर, ओ गॉड तेरी दया हो अर्पण। तो धीरे धीरे आप सीखोगे जब नॉन मेडिकल करोगे। अभी आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखो और जो है आपका 15th का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल के बताओ। अरे अब 15th एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, जिसका ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा। लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? 15। कितनी नंबर ऑफ शेल्स बनी है? 3। तो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? थर्ड। तो ये क्या है एलिमेंट? 15th एटॉमिक नंबर किसका होता है? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिखो। चलो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, आप इसको ऐसे अरेंज करो, हाइड्रोजन हीलियम, यहां तक फर्स्ट 20 है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन न्योन, जल्दी लिखो। अरे अब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लाइन वाइज लिख दो, जैसे आप 8th स्टैंडर्ड से आपको 7th स्टैंडर्ड से सिखाते हैं। बड़े नहीं हुए अभी आप, पता नहीं सीखे हुए हो आप सारे, 8th में सीखा होगा, 9th में। 9th में तो लास्ट ईयर में सीखा ही है। लिखो हाइड्रोजन लिथियम, ऐसे ऐसे नहीं लिखना, हमें सीधे सीधे लिखो, नीचे ले जाओ। बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन NE, आगे सोडियम, आगे क्या आता है? मैग्नीशियम, ये भूल लो सारे। एल्युमिनियम के बाद क्या होते हैं? तो एल्युमिनियम लिख पहले, एल्युमिनियम आगे लिखो, सिलिकॉन SI, वो उससे आगे है SI, ये तो सल्फर बन गया। देन फॉस्फोरस, अब सल्फर आएगा। देन क्लोरीन, देन आर्गन, देन पोटेशियम,
आर ए आर, देन पोटेशियम के, देन कैल्शियम. चलो अब ये याद करके आने हैं कल. अच्छा ये वाले याद, इनको निमोनिक्स बता दी इसकी. नहीं बेटे इसकी होती है निमोनिक्स, ये बचपन से कराते हैं.